ब्लॉग टू अच्छा गाइज, मैं आपका दोस्त रॉन्डी और बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने ब्लॉगिंग चैनल ब्लॉगर रॉन्डी में। तो गाइज, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि मैं आज जा रहा हूँ नेहरू प्लेनेटोरियम में और वहाँ पे करने वाला हूँ एक्सप्लोर। बहुत सारी आपको दिखाने वाला हूँ चीज़ें कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। सो गाइज, नेहरू प्लेनेटोरियम के नाम से आपको पता चल गया होगा नेहरू कि नेहरू वो हमारे नेहरू जी का घर हुआ करता था, जो हमारी गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पे एकोमोडेशन दी थी। जैसे आजकल के हमारे मिनिस्टर्स को हमारी गवर्नमेंट जो एकोमोडेशन देती है वो देती है पार्लियामेंट में, बट उस टाइम को हमारी गवर्नमेंट ने नेहरू जी को एकोमोडेशन दी थी वो दी थी हमारे नेहरू प्लेनेटोरियम में। सो नेहरू प्लेनेटोरियम में गाइज उनका लाइफ स्टाइल था नेहरू जी का। सो वही है कि गाइज आज नेहरू प्लेनेटोरियम में आपको दिखाएंगे नेहरू जी का लाइफ स्टाइल कैसा था, वो जैसे पुराने ज़माने का लाइफ स्टाइल अपना होता था, बिल्कुल वही चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करके दिखाते हैं जहाँ हमारे नेहरू और जहाँ हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जहाँ पे वो अपना काम करते थे, जहाँ पे वो अपना रेस्ट करते थे, जहाँ पे उनके गेस्ट आते थे, वो सारी चीज़ आज मैं आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ नेहरू प्लेनेटोरियम की। सो गाइज, नेहरू प्लेनेटोरियम से आपको एक चीज़ और लग रही होगी, प्लेनेटोरियम। सो गाइज, ये जो प्लेनेटोरियम नाम है इससे आपके दिमाग में ज़रूर कुछ चांद सितारे आ गए होंगे। सो ये गाइज यही चीज़ है कि नेहरू प्लेनेटोरियम जो प्लेनेटोरियम जो नाम है वो प्लेनेट से रिलेटेड है, जैसे प्लेनेट से वगैरह है। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि रोंटी भाई ने सुबह सुबह गॉगल्स क्यों लगा लिया। सो गाइज, जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाई थी अपनी रोडीज रॉकर की, तो फिर उसके बाद मैंने वो एडिट वेडिट करी, मेरे मैं सोया और जब मैं सुबह उठा तो मेरी आँख में हल्का सा इन्फेक्शन हो चुका है। पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन आँख में हल्का हल्का सा बोलते हैं थोड़ी थोड़ी सी इचिंग सी हो रही है और जलन सी हो रही है। सो इस वजह से मैंने गॉगल्स पहन लिया, क्योंकि जो लाइट्स है आपकी सनलाइट वगैरह है ये नॉर्मल लाइट है तो वो आँखों में बहुत ज़्यादा लग रही है, गॉगल्स पहन के थोड़ा सा सही लग रहा है। तो यही है कि गाइस, वैसे मैंने गॉगल्स लगाया हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है तो सॉरी गाइस। गाइस में सबसे पहले, और हाँ गाइस, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं करा तो सामने जो आपको मेरी आईडी दिख रही है वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मैं वहाँ पे अपनी नई नई स्टोरीज डालता हूँ। मैं चाहे ब्लॉगिंग के लिए जहाँ जा रहा हूँ मैं ब्लॉगिंग का दिखाता हूँ कि आज मैं इधर जा रहा हूँ ब्लॉगिंग के लिए, आज मैं उधर जा रहा हूँ, और जो मैं रोडीज वगैरह की वीडियोज़ बनाता हूँ उसके बारे में भी मैं वहीं पर आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। सो गाइस, इंस्टाग्राम में अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करता मुझे फॉलो ज़रूर करिए। और हाँ गाइस, अभी देखिए मेरा जो ये ब्लॉगिंग चैनल है, इतना मुझे अभी ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है नहीं, बट यही है कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और इधर उधर घूमने का और अपनी इंडिया को देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करा है, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। इस वजह से मेरे दोस्तों ने बोला रोंटी भाई आप एक ब्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कीजिए जिससे आप अपनी इंडिया को एक्सप्लोर करोगे। तो इस वजह से मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करा जिससे मैं आप सारे भाई लोगों को अपने इंडिया को दिखा सकूं। वैसे हमारे ब्लॉगिंग चैनल ब्लॉगर्स की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक ब्लॉगर्स हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे भी शौक था अपने इंडिया को एक्सप्लोर कराने का, चाहे वो यूट्यूब का जरिए हो चाहे किसी चीज़ का जरिए हो। तो वैसे मैं भी वो कर रहा हूँ। हाँ गाइस, जो हमारे बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं गाइस, उनको दिल से सल्यूट, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारी इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सीना चौड़ा आता है मेरा ये चीज़ देख के कि हमारी इंडिया इतनी खूबसूरत है। जो आते हैं कि हमारी इंडिया इतनी खूबसूरत है, प्लेनेटोरियम में सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा, और जहाँ गाइस कैमरा नहीं होगा ना तो वहाँ मैं बिल्कुल कैमरा नहीं निकालूंगा। गाइस, रूल्स आर रूल्स, क्योंकि रूल्स होता है वहाँ पे कि कुछ प्राइवेट चीज़ होती है, इस वजह से हमें वहाँ पे कैमरा एक्सप्लोर करना मना होता है, तो मैं वहाँ बिल्कुल कैमरा निकालूंगा। प्लीज़ एक्सपेक्टेशन मत करना कि अगर कुछ चीज़ हो मैं छुपछुपा के कैमरा निकालूं, क्योंकि गाइस जो रूल्स और रेगुलेशन जो बने होते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए बने होते हैं। तो कुछ क्या पता कुछ पर्सनल चीज़ हो जो कहीं और उस चीज़ के ज़रिए ना चल जाए, इस वजह से वहाँ पे शायद ये मना होता है वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना। तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, लेकिन जहाँ कैमरा नहीं होगा तो वहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत रूल्स मानने वाला बंदा हूँ। मैं इतना रूल्स मानने वाला बंदा हूँ कि मैं अगर बगल में भी जा रहा हूँ अपनी बाइक में तो मैं तब भी हेलमेट लगाता हूँ। मैं इतनी रूल्स की कदर करता हूँ और करनी चाहिए, अगर आप बाइक में जा रहे हो तो आप हेलमेट लगाएं, चाहे आप नीचे सामान लेने भी जा रहे हैं बाइक, चाहे आप बगल में मार्केट में सामान लेने भी जा रहे हैं बाइक में, तो आप हेलमेट लगा के जाएँ, क्योंकि वो हमारे लिए ही अच्छा होता है, हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। चलिए अब चलते हैं नेहरू प्लेनेटोरियम में। तो दोस्तों, जैसे ये नेहरू प्लेनेटोरियम का रास्ता है, ये हमारे यहाँ से निकलता है मदर टेरेसा मार्ग से। तो मदर टेरेसा मार्ग जो है ये काफ़ी सुंदर मार्ग है, काफ़ी सुंदर और क्लीन रोड है जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है और बहुत ग्रीनरी भी रहती है इस रोड में। सो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ये जो आगे एक जगह आ रही है ये है तालकटोरा गार्डन स्टेडियम प्लस गार्डन। सो गाइस, यहाँ पे स्टेडियम है जहाँ पे हमारे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे भी WWE का इवेंट भी यहाँ पे हुआ था, जो हमारे रेसलर्स आए थे WWE के, उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस करी थी, उनकी यहाँ पे रेसलिंग हुई थी, और काफ़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स भी यहाँ पे होते हैं इस स्टेडियम में। तो ये बहुत अच्छा स्टेडियम है, और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा नेचर को कनेक्ट करती है ये रोड जो मदर टेरेसा मार्ग,
बहुत अच्छी रोड है, बहुत सुंदर रोड है, मेरी वन ऑफ द बेस्टेस्ट रोडों में से ये एक रोड है। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हो कि कैसे कैसे यहाँ पे है सीन। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये देखिए ग्रीनरी देखिए मेरे पीछे आप, वो जो पीछे आपको पूरा मॉन्यूमेंट दिख रहा है वही है जवाहरलाल नेहरू जी का घर। अभी उसके अंदर एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीनरी के दर्शन कर लिए जाए, क्योंकि गाइस नेचर से बढ़िया तो कोई चीज़ नहीं होती और मैं बहुत बड़ा नेचर लवर हूँ और मुझे नेचर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। तो देखिए गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस पीछे का। पीछे का स्पेस देखिए, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे देखिए। तो गाइस नेचर देख के जो मज़ा आता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। और सबसे ज़्यादा एंजॉय वाला मोमेंट होता है वो। और ये और यहाँ पे अंकु है मेरा नेफ्यू, वो बहुत खेल रहा है अच्छे तरीके से, उसे बहुत मज़ा आ रहा है। बेसिकली हम उसे घुमाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन हम सोचा चलो लेकर आए तो थोड़ी सी ब्लॉगिंग भी कर ली जाए और ब्लॉगिंग के साथ साथ हम थोड़ी बहुत ये चीज़ें एक्सप्लोर भी कर लीजिए, आपको दिखाएं कि नेहरू प्लैनेटोरियम है। सो गाइस जो नेहरू प्लैनेटोरियम है तीन मूर्ति में पड़ता है, तीन मूर्ति, एक ये मदर टेरेसा रोड आती है यहाँ पे दिल्ली में, मदर टेरेसा रोड में ही जब वो रोड का एक बीच में चौराहा आता है, चौराहे के बीच में ही ये तीन मूर्ति की जगह पड़ती है और ये तीन मूर्ति की जगह के अंदर ये नेहरू प्लैनेटोरियम। और गाइस ये देखिए बहुत अच्छा है, मतलब गाइस नेचर से कनेक्ट होना चाहिए हर किसी को, क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ होती है गाइस तो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, और इस बिजी लाइफ में गाइस अगर आप नेचर से कनेक्ट नहीं हुए तो फिर यार फिर लाइफ का मतलब ही क्या है। लाइफ इज़ द नेचर, क्योंकि हम सारे जो है वो नेचर से बने हैं और कहीं ना कहीं हम नेचर से ही जुड़े हुए हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगता है नेचर से जब कनेक्ट होते हैं और आपको ये चीज़ दिखाते हैं। और गाइस आप भी कनेक्ट होइए नेचर से और आप भी हमको चीज़ दिखाइए। आप लोग जो मेरी वीडियो समय देख रहा है आप भी अपनी वीडियोस बनाइए और एडिट कीजिए और मुझे भी दिखाइए कि कैसा होता है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं उसके अंदर मॉन्यूमेंट के, ये जो मेरे पीछे है। और ये पीछे गाइस आज सैटरडे है तो काफ़ी स्कूल्स की पिकनिक है आज, तो पिकनिक के बच्चे भी आ रही हैं यहाँ पे। तो आजकल स्कूल्स की पिकनिक भी यहाँ पे लोग जाते हैं, खासकर स्कूल वाले बच्चों को भी लोग यहाँ पे लाते हैं पिकनिक में और काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं यहाँ पे आके और अपनी पिकनिक को इन्जॉय करते हैं हर तरीके से लोग। तो यही है गाइस, चलिए अब चलते हैं मॉन्यूमेंट के अंदर और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे वहाँ पे नेहरू जी की सामान पड़े हुए हैं और कैसे कैसे नेहरू जी जो चीज़ें यूज़ करते थे, जिस रूम में रहते थे, वो चीज़ आपको अभी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से होता है शुरू, एंट्री होती है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे हम चल रहे हैं, अभी एंट्री की तरफ चल रहे हैं और ये मॉन्यूमेंट के हम अंदर आ चुके हैं। वैसे सामने था वाला पार्क जहाँ से हम कभी खड़े होकर अपनी वीडियो बना रहे थे, जहाँ कैमरा बोलेंगे गाइस मैं वहीं बंद कर दूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं रूल्स एंड रेगुलेशन का पक्का बंद हूँ। तो चलिए अब अंदर एंटर करते हैं। तो दोस्तों और मेरे भाइयों, जैसे कि मैंने बताया था कि अंदर शायद कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो वाकई में अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। हम वहाँ पे गए तो CRPF का एक जवान था, उन्होंने बोला कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट आप अंदर के मॉन्यूमेंट की आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो जो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी है, तो आप ये देखिए मैंने कौन सी फ़ोटोज़ क्लिक करी है वहाँ पे अंदर जाके मॉन्यूमेंट की।
तो दोस्तों और मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो मॉन्यूमेंट है ये काफ़ी पुराना है और यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो हमारे साथ। हाँ बेटा, ओ बेटा आ गया, ये देखो ये अंकु आया है। अंकु हाय कर दो। हाय। ये अंकु आपसे मिलने के लिए आया है। वही था हमारा मॉन्यूमेंट थोड़ा सा जो नीचे से कनेक्ट करता है आपको, हमको, हम सबको। और यही है कि ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा मॉन्यूमेंट जो है, ये शायद ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है और इसको देख के काफ़ी मज़ा आता है। और मैंने जैसे आपको दिखाया है सारी चीज़ें एक काफ़ी हमारे पुराने टाइम की थी और ये चीज़ आपको देखनी चाहिए गाइस, ये काफ़ी आपको एक्सप्लोर होना चाहिए। ये चीज़ें जो हमारे पूर्वज लोग जो यूज़ करते थे, जो हमारे पुराने लोग जो यूज़ करते थे उस टाइम की चीज़ें दिखाना गाइस, काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ दिखाना। हिस्टोरिक मोमेंट्स को देखना और मोन्यूमेंट्स को देखना काफ़ी मज़ा आता है।